Good morning, student. Welcome to online classes. Chapter 2, Shapes and Angles, Subject Maths, page 19 से हम continue करेंगे. Question 4 is, how many different shapes can you make by changing the angle between the matchstick in each of these try? यहाँ पर स्क्वायर, ऑक्टागोन, पेंटागोन, हेप्टागोन एंड डेकागोन दिया गया है. अंदर के मैच स्टिक को चेंज करके एक क्लोज्ड शेप बनाकर ही हम कितने अलग अलग टाइप के शेप बना सकते हैं. मैच स्टिक्स पजल्स मेक 8 ट्राइंगल्स यूजिंग 6 मैच स्टिक्स ट्राई. इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 29 पर दिया गया है. हम मैच स्टिक को चेंज करके डिफरेंट टाइप के शेप बना सकते हैं. नेक्स्ट पेज इज एंगल टेस्टर, हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स. उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसे डिवाइडर कहा जाता है. दिस टूल इज अवेलेबल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. हम अपने घर पे कार्डबोर्ड की हेल्प से डिवाइडर को बना सकते हैं. We can cut two strips from a cardboard sheet, fix them with a diagram pin or such that both the strips can move around easily. Rohini tested the angle of maths book and pencil box. कोई भी दो एंगल सेम है या नहीं ये जानने के लिए हम एंगल के वर्टिक्स में मीन्स एंगल के कोने में अपने एंगल टेस्टर को कोने पर रखकर ये देख सकते हैं उसके जो दो आर्म्स है और सेम है या नहीं. अगर दोनों एंगल्स ये दोनों आर्म्स सेम डिस्टेंस पर है मतलब एंगल सेम है. सिमिलरली रोहिणी और मोहिनी एंगल टेस्टर लेकर अपने घर के आसपास चेक करती हैं कि उनके घर के आसपास ऐसी कौन सी वस्तु है जो सेम है मतलब जो सेम एंगल की है. लाइक द एंगल टेस्टर ओपन लाइक कैपिटल लेटर एल. कैपिटल लेटर एल वाला एंगल तभी आता है जब वो 90 डिग्री पर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गो अराउंड विथ योर टेस्टर एंड ड्रॉ हियर दोज थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन्स लाइक द लेटर एल. आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल. जैसे आपका राइटिंग पैड इसका कोना राइट एंगल बनाता है. इट्स ओपन लाइक कैपिटल ए मीन्स राइट एंगल. इसके बाद हमारा स्केल, पोस्ट कार्ड, एनवलप, नोट्स, बुक्स और भी ड्राइंग नोटबुक्स, वाइट बोर्ड या हमारा करेंसी नोट, A4 साइज का पेपर, ये सभी चीज़ें राइट एंगल बनाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक इज लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल. यहाँ फर्स्ट डाइग्राम में आपको एक केची का पिक्चर दिख रहा है. इस पिक्चर के ओपन हिस्से को देखकर हमें क्या लगता है पता चल रहा है. यह एक छोटा सा एंगल बना रहा है यानी कि दिस इज एक्यूट एंगल्स विच इज लेस देन 90. जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो लेस देन होते हैं 90 डिग्री के. सो टिक द लेस देन अ राइट एंगल. नेक्स्ट इस अंकल के हाथ में कौन सा एंगल बनता नजर आ रहा है. ये थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं. लेकिन एंगल के किसी भी आर्म्स को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं तो हमको पता चलेगा एक्चुअली ये 90 डिग्री का एंगल है. 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल. काइट के कोने में भी राइट एंगल बनता है. दिस इज़ अ टूल. टूल में भी राइट एंगल दिखाया गया है. और लास्ट में स्टॉप वाला साइन बोर्ड जिसे एंगल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है उसे ध्यान से देखने पर पता चलता है ये राइट एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा है मीन्स दिस इज़ अ एन ऑब्ट्यूस एंगल. नेक्स्ट इज सुखमन मेड दिस पिक्चर्स विथ सो मेनी एंगल्स यूज कलर पेंसिल टू मार्क राइट एंगल्स विथ ब्लैक कलर्स. मतलब राइट एंगल्स को ब्लैक कलर से मार्क करना है. इस डायग्राम में हम राइट एंगल सर्च करते हैं. यहाँ पर ये अंकल की ड्रेस और अंकल का पजामा, फिर अंकल के आर्म, सिर के ऊपर छतरी का हिस्सा, द डिफरेंट काइंड ऑफ राइट एंगल्स जिसे आप एक कैपिटल एल से भी शो कर सकते हैं. इन सभी चीज़ों को ब्लैक कलर से मार्क करना है.
Next is angles which are more than a right angle with green. डायग्राम में जैसे यहाँ पर घोड़े का हिस्सा, यहाँ पर ये आर्म, इस वाले अंकल का ये वाला आर्म, यहाँ पर इस अंकल के बॉडी का ये वाला हिस्सा ग्रीन कलर में हम ड्रॉ करेंगे, एंगल को ग्रीन कलर से शो करेंगे. नेक्स्ट इज एंगल्स विच आर लेस देन अ राइट एंगल विथ ब्लू. लेस देन जो एंगल 90 डिग्री से लेस देन है उसे हम ब्लू कलर से शो करेंगे. स्टूडेंट डायग्राम में जो माउंटेन जैसी डिजाइन बनाई गई है इसे ब्लू कलर से मार्क करेंगे. घोड़े के ऊपर वाले बाल और ये सब छोटे छोटे एंगल है, इन छोटे छोटे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स कहते हैं. एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से लेस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एनीथिंग of your choice around the angle show. Also write what kind of angle it is. The first one is done. हाँ, first वाले डायग्राम में यहाँ पर एक छोटा सा एंगल दिखाया गया है. This is less than 90 degree and it is called acute angle. एंगल के आसपास मगरमच्छ की फोटो बनी है. सिमिलरली दिस एंगल विल बी शो. नेक्स्ट वाले डायग्राम में आपको एक कैपिटल लेटर जैसा एंगल शो हो रहा है, इसे हम राइट एंगल कहेंगे. नेक्स्ट वाले डायग्राम में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम इसे सीधा करेंगे तब हमें पता चलेगा यह भी राइट एंगल है. एंड नेक्स्ट एंगल राइट एंगल से ज़्यादा है इसलिए हम इसे ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे. एंड नेक्स्ट एंगल में यह लेस देन राइट एंगल. सो आंसर इज एक्यूट एंगल. एंड नेक्स्ट एंगल में यह भी एक्यूट एंगल से, ये लेस देन है 90 डिग्री से.